मेरी माँ ने मैना मैया को संभाला। माई तुम ते मिटिहि की विधि के अंका, माँ तो व्यर्थ जन ले कलंक, जन ले माँ तो कलंक करो ना। लगाती है माताएं, नेत्र सबके सजल हैं। ठीक इसी अवसर पर देवर्षि नारद जी सप्तऋषियों के संग में आते हैं, माँ के पूर्व जन्म की कथा प्रसंग सुनाते हैं। सबका संशय समाप्त हुआ जब ये बताया नारद जी ने कि आपकी पुत्री मात्र आपकी पुत्री नहीं, ये तो जगदम्बा है। पिछले जन्म में दक्ष पुत्री स्वरूपा सती जी शिवप्रिया थी, पिताजी के भवन गई, शिव जी का निरादर देखकर योगाग्नि में बदन को प्रवेश कराया, भगवान श्री हरि से वर मांगा और आपके पुण्य के प्रभाव से आपकी पुत्री भई हैं। सदा सर्वदा ये शिव प्रिया हैं। ऐसा सुनकर तम मैना हिमंत अनंदे पुण्य पुण्य पार्वती पद वंदे। जितना आप अर्थ में प्रवेश करेंगे उतना इस प्रसंग में आनंद वर्धन होता। माँ ने सबको समझा लिया, अब उनकी सहेलियों ने पूछा, सखी किसी बावले के लिए इतना कठोर तप किया आपने? मैया भवानी बताने लगी, अरे हमार जोगिया हो, हमार जोगिया डिम डिम जम रूप जावे ला हमार रूप।
देवताओं को बुलाकर उनको भोजन प्रसाद नेग नेवछारी पूर्वक कराया गया। हिमांचल राज महाराज के आग्रह पर भगवान ब्रह्मा मंडप में पधारे, अपने कर से सिंहासन को व्यवस्थित कराया पितामह ब्रह्मा। भगवान भूत भावन का आवाहन हुआ, गण लोग लेकर सरकार को मंडप में पधारे हैं। माँ ने प्रार्थना किया, सरकार दिव्य पीताम्बर धारण करके दूल्हा स्वरूप में उपस्थित हुए। बोलिए दूल्ह सरकार की, मुनियों की आज्ञा पाकर सखियां मेरी माँ को लेकर आई हैं। जगदम्बिका जान भव भामा स्वर्णम नहीं मन की, सुंदरता मर जान जाइन को मंडप में उपस्थित देवताओं ने प्रणाम किया माँ को। मुनि अनुशासन गणपति भोजम शंभो भवा, बहु सुन संशय कर सुरयना। कन्या ने गणपति भगवान का पूजन किया। बाबा कहते हैं कोई संशय नहीं करेगा, देवता लोग अनादि हैं, इनका कोई आदि अंत नहीं। अब विवाह की विधि क्या है? अतो वेद विधि जैसी विवाह के विधि श्रोति का जैसी Yeah।
ग्रहण संस्कार संपन्न होते ही विद्वानों ने वेद मंत्र का उच्चारण किया, देवताओं ने जय जयकार किया। बोलिए भूत भावन भगवान की जय हो, भवानी मैया की जय हो, मंगल महोत्सव की जय हो। सब लोग मानसिक आरती बाबा की और मैया की करेंगे। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तम हृदया बहुत सारी सामग्री दाई स्वरूप में हिमांचल जी ने भगवान भोलेनाथ को मैया को भेंट किया है। विदा लेकर भगवान शिव कैलाश पधारे, देवता लोग निज निज धाम को प्रस्थान कर गए। यहाँ बाबा माँ के संग में जब ही शंभु कैलाश ही आए, सुर सब निज निज लोक जगत मात विदु शंभु भवानी ते श्रृंगारुन करहि विविध विधि भोग विलासा करन समेत याज्ञवल्क्य महाराज भरद्वाज जी को कथा सुना रहे हैं। पूज्यपाद गोस्वामी जी ने प्रसंग को यहाँ पूर्ण किया और कहा, भगवान शिव मां सेवा का चरित्र समुद्रवत है, वेद भी पार नहीं पा सकते हैं। मैं मति का मंद गंवार तुलसी क्या गाऊंगा। सब जगह से लेकर पूज्यपाद गोस्वामी जी महाराज ने मानस जी में जितना समेटा, सूक्ष्मतम हमने आपने भगवान शिव मां शिवा के विवाह का यह मंगल प्रसंग गान किया।